So, hey guys, welcome back to our channel D17 Vlogs. So guys, आज मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, जहाँ पे हम करने वाले हैं टेस्टी टेस्टी एंड टेस्टी। तो यहाँ पे गाइस आज इस एससी का है वो लास्ट दिन होने वाला है, क्योंकि मैं आज इसको रिप्लेस करने वाला हूँ इस एक्रोपोविक के साथ। तो जहाँ पे गाइस आज, क्योंकि पता है आपको, थोड़े दिनों बाद मैंने एक्रोपोविक को चेंज कर लिया था इस एससी से, क्योंकि ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं था। तो अभी ये फुल सिस्टम हो गया है, तो क्यों ना इस एक्रोपोविक को ट्राई किया जाए और आज इसको ट्राई करके देख लेंगे कि मतलब इसमें कितना चेंज है और कौन सा साउंड स्वीट है। तो क्यों ना इसको पहले निकाला जाए और इसको ट्राई किया जाए। यहाँ पे गाइस एससी हो चुका है डिसमेंटल, तो ये देखो अब इसको निकाल लिया, बस अब ये निकालना है, क्यों ना इसको लास्ट टाइम सुन लिया जाए। तो ये देखो गाइस एससी को हम लोग ने रिमूव कर दिया है और ये इसकी कुछ कंडीशन है अभी, क्योंकि इसका बहुत सारा बैकफायर भी निकलता था आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। अब इसको कर लेते हैं चेंज। तो ये गाइस देख सकते हो मेरा एक्रोपोविक पूरे न्यू कंडीशन में, क्योंकि बहुत कम टाइम तक मैंने इसको यूज किया था। ये देखो पूरा न्यू है, पैकिंग से मैंने निकाला तो देख रहा था अभी पूरा न्यू है। तो इसको इंस्टॉल कर दे, आ जाओ। ये गाइस इस पे लगाया हमने एक्रोपोविक, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तो आ रहा है, वो तो मैं कर लूंगा। पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट और सुनते हैं इसका साउंड। अभी तो मैंने डीबी लगाया हुआ है पर फिर भी के साथ है ये इसका साउंड गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने एक ऐप लिया है तो इसका साउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे गाइस अभी बाइक के साउंड को करते ऑन और अब सुनते हैं इसका डीबी, देखो 87 और समथिंग 1 इंच, 87 80, इन दोनों के बीच में 87 88। तो इसको कर लेते हैं स्टॉप। तो अब करेंगे चेक एससी को कि एससी कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, तो इसको कर लिया रीसेट। अभी हम लोग ने वापस लगा लिया अपना एससी, चेक करते हैं 87 88 80 दिख रहा है या तो इसमें गड़बड़ है क्योंकि साउंड तो मुझे डिफरेंस लग रहा है वापस ट्राई कर लेते हैं ओके क्यों ना इसको चेक किया जाए वापस। मुझे तो यही लगता है कि मुझे एससी का साउंड इससे ज्यादा लाउड लग रहा था। तो अगर भी आपको भी यही सेम लग रहा है, मुझे जैसे लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताना।
सो गाइस मतलब मैंने चेक कर लिया था कि मतलब इशू क्या हुआ था, तो फिर मुझे पता चल गया गाइस कि मतलब जो इसका साउंड है वो सिर्फ साउंड में मतलब डिफरेंस है, उसका जो साउंड लेवल है वो सेम है। तो उसको मतलब जब हम लोग हियर करते हैं उसका साउंड का, इसका थोड़ा बास ज़्यादा है इसका, और एक्रोपोलिस का थोड़ा बास कम है, तो इसी में थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सचेंज लग रहा था क्योंकि मतलब एसी का लाउडर लग रहा था, पर हम लोग ने उसको गाड़ी अब तक रन नहीं किया तो उससे वैसे चेक भी नहीं करते डीबी में। तो जैसे हम लोग ने डीबी में चेक करते उस हिसाब से किया था तो दोनों का एक इकोनॉमी में मतलब लेवल सेम ही था, 87-88 आ रहा था। पर जो एक्रोपोविक है वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना हियर हियर करने के लिए बहुत अच्छा स्मूदर है। तो अब से मैं मतलब ये लगाने वाले हूँ और इसके फ्लाई बाइज आपको बहुत सारे आने वाले हैं आगे के। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।